मौजूद हैं इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम नियामू में। प्रधान जी कुशल पाल जी, वे एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसाद रहा और सबका विकास। नानोता एक्सप्रेस न्यूज की खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम नियामू में। हमारे साथ वर्तमान प्रधान कुशल पाल कश्यप जी के प्रतिनिधि व सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं ताजिम त्यागी जी। जानते हैं प्रधान जी को किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं और जो विकास कार्य क्षेत्र में गाँव के अंदर जो रुका हुआ है उसमें किस किस प्रकार से क्या क्या प्राथमिकता प्रधान जी लेकर चल रहे हैं और उनके प्रतिनिधि जी बताएँ जो क्षेत्र में जो परेशानियां हैं गांव के लोगों को, सबसे पहला आप उनमें से कौन सी परेशानी को हल करेंगे? अजीब हम तो यही चाहें सबका साथ रहो और सबका विकास, और पूरी हमारी जो 36 बिरादरी हो इसके साथ हम जुड़ कर चला, कोई गांव में भेदभाव ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता रहो और भाईचारा बना रहो। हमें किसी तरह कोई फर्क नहीं, और मारे जय प्रधान जी कुशल पाल जी कश्यप जी भाई, ये तो सबको साथ लेकर चलेंगे और 5 साल तक बिल्कुल धन मंत अपना भी लगाने को तैयार है। इन्हें कोई लालच नहीं, इन्हें कोई लोभ लालच ही नहीं। जानना चाहेंगे अगर बात करिए कुशल पाल कश्यप जी यहाँ पे नहीं हो किसी वजह से, तो आप किस प्रकार से क्षेत्र की जनता समस्या लेकर आएगी, तो आप उनका निवारण कराएंगे? जरूर करेंगे जी, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। कोई समस्या होगी तो कोई समस्या होगी जो उनकी हल होगी और हम जो साथ रहेंगे उनकी। और भी सम्मानित साथी हमारे साथ मौजूद हैं सचिन कश्यप जी, उनसे भी जान लेते हैं किस किस प्रकार से अपने क्षेत्र को देख रहे हैं जी। देखिए जो हमारे श्री कुशरपाल कश्यप जी है, बहुत ही कर्मठ और जुझारू और लगनशील प्रधान जी है, जो कि अपने गाँव को बहुत ही ईमानदारी से सभी काम लेके चलते हैं। सभी गरीब भाई की या मतलब पूरे गांव के जो भी सदस्य है सभी की पूरी ईमानदारी से सहायता करते हैं। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या मतलब कि कोई भी समस्या लेकर आता है उसका भलीभांति समाधान करते हैं। बहुत ही ईमानदार और लगनशील प्रधान जी हमारे कुशरपाल जी। अभी जो आपने विचार सुने हैं वो प्रधान जी के बहुत करीबी हैं और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका निवारण कराने में वो लगे रहते हैं दिन रात। और भी सम्मानित साथी हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे उनसे भी। ग्राम पंचायत की कमान अगर कहें तो कुशल पाल कश्यप जी के हाथ में ही नहीं, उनके बहुत करीबी मोहित जोशी जी जो मास्टर जी हैं जिनका अगर कहें तो एक क्षेत्र में एक नाम है, उनसे जानेंगे किस प्रकार से अपने क्षेत्रवासियों को मैसेज देंगे। पहले तो आप बताएं क्षेत्रवासियों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? क्षेत्रवासियों के लिए सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ कर सबसे नमस्कार है, और मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे फिलहाल हाल ही में प्रधान जी कुशरपाल जी, वे एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वे सबको अपने साथ लेके एक साथ सबको एक समान देखते हैं और सबको एक नज़र से देखते हैं। वे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं और 24 घंटे प्रत्येक आदमी के जो भी हमारे गांव के आस पड़ोस के आदमी हैं सबकी सेवा में हर वक्त तत्पर रहते हैं। कितनी बार गांव को सैनिटाइज कराया है? सर गांव को 2 बार सैनिटाइज करवा चुके हैं, मास्क वगैरह बंटवा चुके हैं। आगे क्या प्रक्रिया है? आगे की जैसे ही कोई भी सुविधा आएगी उसको भी निरंतर करते रहेंगे। गांव में ऐसा नहीं होनेगा कि विकास नहीं हुआ। कुछ लोग नॉन एजुकेटेड होते हैं जो प्रधान पद पर विराजमान तो हो जाते हैं पर जनता की जो समस्या है वो समस्या बनकर रह जाती है और वो अगले 5 साल में विकास प्रधान चुनने का इंतजार करते रहते हैं। तो आप ये बताइए मास्टर जी कि जो जनता की समस्याएं होती हैं जैसे कच्चे छतों को लेकर उनके फॉर्म वगैरह उनको भरने नहीं आते, उनको पता नहीं कि सरकार की नीति हम किस प्रकार से लें, तो आप उनकी मदद किस प्रकार से करेंगे? उनके घर जाके उनके मकान की कंडीशन देखेंगे कि किस तरह की कंडीशन है। जो आदमी पात्र है उसको जो आदमी पात्र है उसको उसका हक मिलेगा। और जो महिलाएं होती हैं 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं होती हैं और जो विधवा औरतें होती हैं उनकी पेंशन बनवानी होती है, उनको फॉर्म भरने तक का नहीं पता होता है और उनके पास शुल्क भी नहीं होता है, उनका कमाने वाला नहीं होता है उस उम्र में, तो आप कैसी सहायता उनकी करेंगे? उनकी सहायता ये करेंगे कि प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जो उनकी जितनी भी हमारे से समस्या जो भी उनकी समस्या है टोटल ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हल करने की कोशिश करेंगे।
और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं और नॉन एजुकेटेड होते हैं, उनको पता तो नहीं होता है कि हम फॉर्म किस जगह भरने जाएं और किस जगह से हमारी समस्या का निवारण होगा। बात कर लेते हैं राशन कार्ड को लेकर। जो कुछ परिवार ऐसे हैं जो मृतक हो चुके हैं, स्वर्गीय हो चुके हैं, और उनके नाम से आज भी कोटा डीलरों की तरफ से राशन उनको मिलता रहता है। वे जो पात्र हैं उनको वो राशन नहीं मिल पाता है, उनका किस प्रकार से आप समाधान कराएंगे? देखो जी, हमारे यहाँ पे जो पात्र है उसी को राशन मिलता है। राशन डीलर हमारे यहाँ पे इतने अच्छे हैं कि किसी भी आदमी को मने नहीं करते हैं और जो उसका पात्र है उसको ही राशन वितरित करते हैं। जो नए राशन कार्ड की रणनीति बताएंगे? नए राशन कार्ड की रणनीति जी, गाँव में सर्वे किया था हमने अभी कुछ दिन पहले, 5-4 दिन पहले। जिसके पास नए राशन कार्ड नहीं है उनकी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चला रखी है सरकार की तरफ से। मास्टर जी, एक योजना चल रही है, 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है, आपने कुछ कराया है उसके लिए? उसके फॉर्म सर हमने भर के भेज दिए है, अब उसका पेमेंट आना बाकी है अभी, वो पता नहीं कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम नियामू में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो प्रधान जी के बहुत करीबी हैं ताजिम त्यागी जी, और जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे पूरी कमान को इस वक्त वो संभाल रहे हैं, जो एक जागरूक घराने से हैं, एक मास्टर हैं, अगर कहें तो टीचर का कोई धर्म नहीं होता है, वो सभी को एक समान समझते हैं, उसी हिसाब से बेबाक तरीके से हमारे सवालों को उन्होंने जवाब दिए हैं। कैमरा पर्सन सहजादा अंग्रेज के साथ आशु अलवी, बने रहें ननोत एक्सप्रेस न्यूज के साथ।